गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की क्लास है। इसमें हम जो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल आपके सामने है, मोहर सर्किल पे बेस न्यूमेरिकल है। यहाँ पर लिखा है ए सर्टेन पॉइंट इन ए स्ट्रेन मटेरियल द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेसेस ऑन टू प्लेन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर आर 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, बोथ टेंसाइल। दे आर एकॉम्पनीड बाई ए शेयर स्ट्रेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। फाइंड ग्राफिकली और अदरवाइज द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन एंड इवेलुएट द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। यहाँ पर ये शेयर स्ट्रेस भी यहाँ पर गिवन है और टेंजेंशियल स्ट्रेस भी गिवन है। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे ये हम देखेंगे। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, पहले हम जो हमारे पास गिवन डेटा है इस डेटा को नोट करेंगे। गिवन डेटा में जो हमारे पास है, जो स्ट्रेसेस है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस सिग्मा एक्स 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड सिग्मा वाई 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड शियर स्ट्रेस है जो टाउ एक्स वाई है, ये भी 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। यहाँ पर हमें मोहर सर्किल ड्रॉ करने के बाद प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ना कि नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम स्केल एज्यूम करेंगे। यहाँ पर स्केल एज्यूम करेंगे कि 10 यहाँ पर लेंगे, हाँ 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी ये 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ये 20 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। यानी जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे एक्स और वाई, जो ये लाइन है हमारी मोहर सर्किल की, मोहर सर्किल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, यानी इस लाइन पर हम स्ट्रेस शो करते हैं, उस पर हम टेंजेंशियल स्ट्रेस, इस पर नॉर्मल स्ट्रेस शो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, तो 20 न्यूटन मीन्स 20 सेंटीमीटर की लाइन हम देखेंगे कहाँ पर जा रही है, 20 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट यहाँ पर। इस पॉइंट को हमने ए एज्यूम किया, ये क्या हुआ आपका सिग्मा एक्स हुआ, ये सिग्मा एक्स। इसके बाद 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर सिग्मा वाई, यानी 10 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट यहाँ होगा सिग्मा वाई, दिस इज सिग्मा वाई। नाउ इसके बाद पॉइंट को बी हम एज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद शियर स्ट्रेस जो है हमारी 10 न्यूटन, इसकी वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर होगी, और इसको हम कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज डाउनवर्ड की तरफ नीचे की, ये भी 10 हो गया यहाँ पर, और इस पॉइंट से ऊपर की तरफ 10, ये यहाँ पर हो गया 10 ऊपर, यानी 10 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ, 10 सेंटीमीटर नीचे की तरफ, ये टोटल 20, और ये कितना है, ये 10 है। ये यहाँ पर क्या हो गया आपका टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई। नाउ हम ये जो पॉइंट है दोनों, इन पॉइंट को हम स्केल रखने के बाद मिलाएंगे आपस में, इन पॉइंट को हम मिलाएंगे इस तरह से, हमने मिलाया। नाउ अब हम क्या करते हैं, इस लाइन का हम सेंटर एज्यूम करते हैं, यानी सेंटर देखेंगे हम कहाँ पर बैठेगा इनका सेंटर, इस लाइन का सेंटर अप्रोक्सीमेट यहाँ पर होगा। हम कंपास में पुरकार पेंसिल में डिस्टेंस लेंगे ये इतनी, और एक सर्किल इस तरह से ड्रॉ करेंगे, एक सर्किल हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये सर्किल हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, हम इधर से भी सर्किल ड्रॉ कर देंगे कंपास के थ्रू, ये सर्किल आपका जो बनेगा ये इस तरह से मोहर सर्किल बनेगा, ये बन गया आपका मोहर सर्किल। हमने क्या किया,
इस लाइन का सेंटर लिया है, इस लाइन का सेंटर लेने के बाद यानी रेडियस हो गई ये इतनी और ये सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया। हमें क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ये सिग्मा एक्स है ओ टू ए, यहाँ पर हम लिखेंगे ओ टू ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, जो क्या है सिग्मा एक्स को रिप्रेजेंट करता है। ओ टू बी 10 सेंटीमीटर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्मा वाई को, एंड इस पॉइंट को हम ए एज्यूम करें अगर ए, और इसको सी और ये डी। ए टू सी इक्वल टू बी टू बी डी इक्वल 10 सेंटीमीटर जो रिप्रेजेंट कर रही है टो एक्स वाई को। नाउ जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है यहाँ पर जो सर्किल ये कट किया है सर्किल ने, इसको इस पॉइंट को हम कहेंगे ई और ये एफ। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ओ ई इक्वल टू सिग्मा टू, ओ एफ इक्वल टू सिग्मा वन। ये क्या है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। सिग्मा वन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा टू माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन में सिर्फ कितना ही पूछा था। हम ये डिस्टेंस नोट करेंगे ओ से एफ कितनी डिस्टेंस है। अब यहाँ पर टू थीटा होता, अब टू थीटा यहाँ पर है नहीं, तो अप्रोक्सीमेट हम इसको टू थीटा एज्यूम करेंगे कि ये टू थीटा इतना है, क्योंकि आगे की तरफ लाइन है ही नहीं, हम यहीं से कंसिडर करेंगे। जितना भी टू थीटा होता फिर हम इस एंगल को यहाँ से बेस मान के एंगल मानते, हम इस लाइन को रेफरेंस मान के, ये डी और सी जो लाइन है इसको रेफरेंस मान के यहाँ सेंटर एज्यूम करने के बाद हम एंगल यहाँ से कंसिडर करते और फिर हम इस सर्किल पर पॉइंट लगाते, कट करते, फिर हम नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस फाइंड आउट करते ओब्लिक प्लेन की, यानी ओब्लिक प्लेन ये कैसा रहा होगा। ओब्लिक प्लेन ये कुछ इस तरह से रहा होगा, यहाँ पर ओब्लिक प्लेन, ये एंगल थीटा होगा, सिग्मा वाई सिग्मा एक्स एंड टाउ एक्स वाई और ये भी टाउ एक्स वाई, इस तरह से ओब्लिक प्लेन रहा होगा। यहाँ पर टू थीटा एज्यूम करते हैं। अब यहाँ पर जो ओ और एफ की वैल्यू है, आप स्केल से जब एज्यूम करेंगे ओ एफ की वैल्यू जो फाइंड आउट होगी, यहाँ पर ओ एफ की वैल्यू ये आपकी होगी 26.2 जो सिग्मा वन, यानी सिग्मा वन जो आएगा आपका, सिग्मा वन यानी ओ एफ 26.2 सेंटीमीटर, यानी 26.2 सेंटीमीटर। हमने 10 वन सेंटीमीटर इक्वल टू लिया था 10, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी यहाँ पर 2.6 के आसपास आएगी। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 के आसपास ही आएगा, 26। तो ये जो स्ट्रेस निकल के आएगी 26.2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आएगी। और जो सिग्मा टू है ये ओ ई है, ओ ई की वैल्यू जो फाइंड आउट होगी, ओ ई की वैल्यू फाइंड आउट आपकी होगी 3.82। ये इतने सेंटीमीटर होगी और इसको हम 3.82 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लिखेंगे। जो ये हमारी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है एंड दिस इज माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ आया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब इस तरह से मोहर सर्किल की रेडियस पूछी जाएगी और ये पूछा जाएगा
तो हम इसको कैसे कैसे हम इसको सोल्व करके ले गएंगे। सबसे पहले कहीं पूछ लिया जाता है मोहर सर्किल का सेंटर, सेंटर ऑफ मोहर सर्किल, तो मोहर सर्किल का जो सेंटर हम निकालते हैं वो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई टू एंड ज़ीरो। ये यहाँ पे टू कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, टू कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर इतनी डिस्टेंस पर होगा और ऊपर की तरफ जीरो, यानी इस लाइन पर जो है मोहर सर्किल का जो सेंटर है वो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई टू डिस्टेंस करने के बाद यहाँ पर सेंटर होगा और ज़ीरो, यानी शेयर स्ट्रेस कितनी होगी ज़ीरो, यानी शेयर स्ट्रेस ऊपर की तरफ और ना नीचे की तरफ है, ज़ीरो पर है। ये मोहर सर्किल का सेंटर हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद मोहर सर्किल की रेडियस हमें फाइंड आउट करनी होती है, रेडियस, मोहर सर्किल की रेडियस हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं मोहर सर्किल की, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू हम लिख रहे हैं, और इसको हम क्या करते हैं स्क्वायर और टाओ एक्स वाई का स्क्वायर और इसको हम अंडर रूट में रखते हैं। ये मोहर सर्किल की रेडियस हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये नोट कर लेना है आपको, सेंटर इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, रेडियस इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद सिग्मा वन और टू, हम यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सिग्मा वन या टू, यानी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, सिग्मा वन मीन्स मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, सिग्मा टू मीन्स माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ये किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ पर हम करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ मोहर सर्किल प्लस सेंटर ऑफ मोहर सर्किल, दोनों को ऐड कर देंगे, रेडियस ऑफ मोहर सर्किल प्लस माइनस, प्लस होगा तो मेजर आएगी, माइनस लेंगे तो माइनर आएगी, इस तरह से, यानी सिग्मा वन और टू यहाँ पर लेंगे, रेडियस वाई बाई टू प्लस हम कंसिडर करेंगे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई का स्क्वायर, यहाँ पर ये करेंगे, ये प्लस माइनस आएगा यहाँ पर, ये मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का फॉर्मूला है। कहीं कहीं हम डायरेक्टली इस तरह से भी निकालते हैं, हमें दिया रहता है विदाउट मोहर सर्किल के अगर निकालना होगा तो इन फॉर्मूलों को यूज करके हम निकाल सकते हैं, और मोहर सर्किल से हमें ड्रॉ करने के बाद फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मेथड आना चाहिए हमने किस तरह से मोहर सर्किल को ड्रॉ किया है, या आप ऐसे कर सकते हैं या आप ऐसे कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पूछी जाती है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितनी होती है, वो रेडियस के इक्वल होती है, वो मोहर सर्किल की रेडियस के इक्वल होती है, जो मोहर सर्किल की रेडियस होती है ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी होती है। ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी होती है, यानी अगर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मींस ये इस पॉइंट से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी ये टाओ मैक्सिमम होती है कि टाओ मैक्सिमम इतना पहुँचा। अब ये इतना इस डिस्टेंस का मींस क्या है, यानी मोहर सर्किल की रेडियस जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ही है। अब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, अगर आपको ये डिस्टेंस चाहिए तो ये डिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे, ये डिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे, एक तो आपके पास ये टाओ एक्स वाई होना चाहिए और एक आपके पास ये डिस्टेंस होनी चाहिए, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपके पास होनी चाहिए। और ये डिस्टेंस आप कब निकालोगे, ये डिस्टेंस आप तब निकालोगे जब आपके पास ये टोटल डिस्टेंस होगी यहाँ तक की डिस्टेंस और ये माइनस कर दोगे डिस्टेंस और इसका हाफ कर दोगे, और फिर ये तो डिस्टेंस होगी ये टोटल इतनी प्लस हाफ करने के बाद इस टोटल डिस्टेंस का हाफ, ये डिस्टेंस होगी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू और ये डिस्टेंस, यानी इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू निकल जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम भी आप यूज करके समझ सकते हैं इसको, यहाँ पे इस तरह से भी ये क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा एक बार क्वेश्चन दोबारा देखिएगा फिर समझ में आ जाएगा। ओके।